आखिरकार आज रविवार है और आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखते हैं संडे के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो आज का दिन जो भी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं उनको लिखने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर, तो उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो फोकस करने के लिए मैं जो मंत्र है हमारा है ओम नमः शिवाय। जब भी आपको लगे आप अपने फोकस से हट रहे हैं तो इस मंत्र को ज़रूर आप करिए। वैसे भी आज देवी की स्थापना है, तो मैं आशा करती हूँ आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज के लिए आज का दिन है कि जो भी अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने अभी तक जो भी काम किए हैं उसका नेक्स्ट स्टेप लेने का आज समय आ गया है, तो अपने आप को रोकिए मत, अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस है कि जब कुछ पुराना ख़त्म होता है तो कुछ नया शुरू होता है, तो आज का दिन नई शुरुआत करने का है, और हो सके तो नई थॉट्स से, नई अपने लिए यूनिवर्स के लिए जैसा भी आप मांगेंगे आप देखेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो अपने लिए भी अच्छा मांगिए और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचिए। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस है कि आज आप जो भी चाह रहे थे कि आपके लिए चीज़ें हो जाएं, हो सकता है उनके लिए आपको आंसर्स मिले। आप अपना हार्डवर्क, अपना एक्शन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, लोगों के कहने पे मत आइए। अपना हार्डवर्क को तो आप ही नहीं करना है, कोई और आके नहीं करेगा, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करिए और अपने काम में लगे रहिए। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि जैसा आप देखेंगे कि आप अगर स्ट्रांग फील कर रहे हैं तो आपको वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, जैसे ही आप फील करेंगे मैं लेजी फील कर रहा हूँ तो आपकी बॉडी वैसे ही हो जाएगी। सो आज का दिन स्ट्रांग फील करने का है, आज का दिन उत्साह को अपने अंदर लाने का है, आज का दिन इंजॉय करने का है, आज का दिन बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने का है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो नेचर से रिलेटेड हो, प्लीज़ डू दैट, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि जो भी डिसीजंस आप लेना चाहते हैं आप उनको लीजिए, आज का दिन डिसीजंस लेने का है। आज का दिन अपने अंदर उस क्षमता को बिलीव करने का है जिसमें आप को लग रहा है कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो टाइम टू कम आउट ऑफ द डार्क एंड इन्जॉय योर स्पॉटलाइट। ये आपका दिन है, इन्जॉय करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि जब तक आप दूसरों को ये सोचेंगे कि ये मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उनकी बात नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए आप खुद सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या बिलीव करते हैं, कि मेडिटेशन से रिलेटेड है, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए रिलेटेड है, हाउ डू यू रिलेट कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ही करिए। नेक्स्ट इज लीब्रा। लीब्रा के लिए एडवाइस ये, एक तो अपने इमोशंस को आप बहुत ध्यान रखिए, आपके ऊपर बहुत विंडफॉल होने वाला है जिसमें कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके ऊपर इमोशंस का भी बहुत हावी होना हो सकता है, तो अपने पानी के ऊपर चेक रखिए एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आप बिलीव करेंगे आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए वैसी ही होंगी, तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिविटी पे ध्यान लगाने का आज ये दिन है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, रोल्स के अंदर बट गया हूँ, एज अ पेरेंट मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं एक बार में कर पा रहा हूँ, तो आज एडवाइस लेने का दिन है, आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने का दिन है, आज अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालने का दिन है जहाँ पे कि आप अपने लिए थोड़ा सा इंजॉय कर सके, और अपनी जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी हो रही है उसको कहाँ पे, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको इंजॉय करेगी उसमें लगाने का है, ताकि आप उस चीज़ को पॉजिटिव बना सकें। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपका मन कर रहा है कि मैं वॉलंटियर काम कोई करूँ, कोई कहीं जाके कहीं पे एक घंटे के लिए कुछ इंजॉय करना चाहता हूँ, या किसी ओल्ड एज में, या किसी ऑर्फनेज में, या किसी एनजीओ में जाके बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, या किसी ओल्ड एज में जाके उनके साथ डांस थेरेपी या कुछ भी करना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी गुड डे। अगर आप आगे भी जाके इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कोई भी एक कॉज ले लीजिए
और जरूर अपने घंटे एक घंटा इसमें निकालिए, और अगर आपके बच्चे इस चीज में साथ दें तो उसको भी आपको सोचना चाहिए, ताकि जैसा वो देखेंगे आगे वैसा भी वो करेंगे। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस ये है कि टाइम टू चेंज योर माइंड, टाइम टू सी कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। जो खराब लोग हैं अगर आपसे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, उनसे आज टाइम से उनसे कटने का दिन है। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि आपके अंदर सारी क्षमता है, लेकिन पहले तो अपने पुराने घावों को खत्म कीजिए, तभी आप कोई नया काम कर पाएंगे। तो आज अपने पुराने घावों को हील करने का दिन है। उनमें से कोई भी एक ऐसी चीज, मेमोरी आपको बहुत खराब लग रही है, उसके ऊपर सोचिए क्यों आपको लग रही है, उसको अगर हो सके तो उन जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है उसको रिलीज करके उनको क्षमा करने का दिन है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है, सब चीजें आपके अंदर है, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अपने अंदर आप देखेंगे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स जाएंगे तभी वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। तो आप अपने माइंड को आगे की स्ट्रेटजी पे काम लगाइए, आगे कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लगाइए। प्रेजेंटली अगर नहीं भी अच्छा चल रहा है तो इट्स ओके, दिस इज अ टेम्पररी टाइम, कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है। तो आज अपने आगे की स्ट्रेटजी पे पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, और आज का दिन अगर हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज में जरूर लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ आज का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।